हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। सेकंड यूनिट में हमने स्टडी किया था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके अलावा स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा था। आज लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, इसमें देखेंगे अपन जॉइंट्स के बारे में कि जैसे हमारी बॉडी के लिए एक स्केलेटल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बॉडी को मतलब स्टेट, मतलब अपन जैसे खड़े हैं आज तो मतलब स्केलेटल के सिस्टम की वजह से ही आज हम खड़े हो पा रहे हैं। तो जितना रोल हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का है उतना ही रोल जॉइंट का देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जॉइंट नहीं होंगे तो अपन हमारे जो हैंड है बोन है वो एक मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, रोटेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे हैंड है ऐसे मतलब कुछ नहीं होगा, अगर बोन होगी तो स्ट्रेट रहेगी वो, अगर जॉइंट नहीं होगा तो फिर ऐसे थोड़े ना अपन कुछ कर पाएंगे। तो मतलब रोटेट होने के लिए, इनको मुड़ने के लिए तो जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकता बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर जॉइंट्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट हैं वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, कंप्लीट देखेंगे कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं और उनके अंदर भी फर्दर जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों सपोर्ट करो, अगर आप लोगों का सपोर्ट है इसी वजह से रेगुलर वीडियोज आ रही है, तो जितना आप सपोर्ट करोगे मतलब उतना आपके लिए अच्छा मैटर आपके लिए आता रहेगा, क्योंकि हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ बच्चों का सपोर्ट है हमारे साथ तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम देखेंगे जॉइंट्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है यूनिट सेकंड का। तो जॉइंट क्या होते हैं, मेनली सिंपली देखिए डेफिनेशन आ जाती है आपके पेपर में कि जॉइंट क्या होता है, डिफाइन जॉइंट। तो आप लिखेंगे सिंपली जॉइंट इज ए लोकेशन एट विच टू और बोन में कॉन्टेक्ट, मतलब ये टू बोन है वो एक दूसरे के बीच कॉन्टेक्ट बना रही है, मतलब एक लोकेशन है ऐसी। दे आर कॉन्स्ट्रक्टेड टू अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब एक तो ये मूवमेंट को अलाउ करती है और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है दो बोन्स को। तो ये जॉइंट की डेफिनेशन होगी। क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स के मेन जॉइंट्स होंगे, फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस है, सिनोवियल जॉइंट है। तो हम ज्यादा स्टडी करेंगे सिर्फ सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा जनरल देख लेते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट है वो इमूवेबल होगा, मतलब ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करते हैं उसको अपन बोल देते हैं फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होंगे। एक एग्जांपल देखिए, जो हमारी नेक से ऊपर का जो पार्ट है स्कल, नेक रोटेट करता है, इसके अलावा ऊपर से कुछ भी रोटेट नहीं करता है, मतलब एक इमूवेबल पार्ट है बोन का। तो इसको अपन बोल सकते हैं फाइब्रस जॉइंट डेवलप्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सेकेंड है कार्टिलेजिनियस, स्लाइटली मूवेबल, मतलब हल्का हल्का ये मूव करता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंटरवर्टेब्रा जो हमारी रीड में होते हैं, बैकबोन में होते हैं वर्टेब्रास, वो थोड़े थोड़े मूव करते हैं, ज्यादा मूव नहीं करते, जैसे अपने हैंड करते हैं वैसे मूव नहीं करते हैं। पेल्विक जॉइंट, जो हमारा पेल्विक जॉइंट है वो भी स्लाइटली मूवेबल होता है। तो ये टू टाइप्स के हो गए। थर्ड टाइप हमारा सिनोवियल जॉइंट, तो सिनोवियल मतलब फ्रीली मूवेबल, कहीं भी मूव कर सकते हैं ये, हमारे जहां भी ऐसा लगता है आपको मूव कर रही है होंगे सिनोवियल जॉइंट। तो इनको फर्दर जैसे इसके अंदर हो गया सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल जॉइंट और सिनोवियल केविटी। तो मतलब जो सिनोवियल जॉइंट होंगे वो ऐसे होंगे जैसे इनके अंदर जैसे ट्रक के जो पार्ट्स होते हैं ग्रीस लगाया जाता है, वैसे ऐसा लगता है कि ग्रीस है, मतलब इनके अंदर ग्रीस भरा हुआ है, तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं। तो इनको फर्दर सिक्स टाइप में डिवाइड किया गया है, जो सिनोवियल जॉइंट है। सिनोवियल जॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे मूव, मतलब कौन कौन से वे में वो मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सिक्स टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट समझ में आ रहा होगा कि बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूँ आपको, आगे भी देखेंगे अपन। जैसे ये तो एक सॉकेट है, ये तो अपने पास बॉल है, ये हो गए। ऐसे बोन आपने देखे होंगे, मतलब जो हमारा घुटने का जॉइंट है, एल्बो का है, ऐसे जॉइंट आते हैं, मतलब ये रोटेट कर सकते हैं किधर भी, मतलब एक तो सॉकेट हो गया एक बोन हो गया, तो ये एक जॉइंट हो गया हमारा, इसके बीच सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है। आगे देखिए हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग सैडल और कोंडलोइड जॉइंट। तो ये सिक्स टाइप के जॉइंट है, उनको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप।
फर्स्ट हमारा बोल एंड सॉकेट जॉइंट, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये एक कोई सॉकेट है, इसके अंदर ये बोल मतलब ये दूसरी बोन है, ये दूसरी, ये एक जॉइंट इसके बीच बन गया, इसको बोल सकते हैं हम बोल एंड सॉकेट जॉइंट। इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, ज्यादातर मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेड ऑफ बोन इज फिट इनटू सॉकेट, जो बोन का हेड होगा ये किसी सॉकेट में फिट होगा। ऑफ अनोदर बोन हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट एंड टेंडन, तो मतलब जो दोनों बोन होंगी वो दोनों एक लिगामेंट और टेंडन्स के द्वारा बाइंड होंगी। एग्जाम्पल देखिए, शोल्डर जॉइंट, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है फ्रीली मूवेबल है, ये बोल एंड सॉकेट है इसके अंदर, मतलब एक इधर से हमारा सॉकेट हो गया, इधर से वो, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिप जॉइंट हो गया, पैरों को अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड है हिंज जॉइंट, इसमें क्या होता है, इट अलाउ फ्लेक्सेशन एंड एक्सपेंशन विथ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसमें ज्यादा रोटेशन नहीं होता है, मेनली वन साइड में हो जाएगा, टू साइड में हो सकता है, ज्यादा रोटेशन नहीं देखने को। जैसे एल्बो जॉइंट है हमारा, इस साइड मूव करता है, पीछे की साइड मूव नहीं करता है। नी जो हमारा घुटने का जॉइंट है, ओनली पीछे की ओर मूव करता है ऐसे, और उसी की तरह आगे की ओर मूव नहीं करता। एंकल जो एंकल है वो भी आगे पीछे करता है, साइड में नहीं करता है। और जो हमारी फिंगर्स है वो भी ऐसे मूव होती है, साइड में मूव नहीं होती है। ये एग्जाम्पल हो गए हिंज जॉइंट के। पिवोट जॉइंट, इट अलाउ ओनली रोटेशन, ये जॉइंट होंगे वो रोटेटेबल होंगे। स्कल ऑन एटलस, मतलब जो एटलस वर्टेब्रा हो गया हमारा, इसके ऊपर एटलस, ये जो हमारा स्कल है ये मूव कर सकता है हमारा, मतलब ये फ्रीली मूवेबल ओनली रोटेटेबल जॉइंट है हमारा, पिवोट जॉइंट इसको अपन बोल सकते हैं। वर्टेब्रा रेडियस ऑन अल्ना, मतलब जो रेडियस और अल्ना होते हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं फ्रीली। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इज लुक फ्लैट, जो सरफेस होगी वो फ्लैट लगेगी। मूव ऑन द अनदर बोन इन स्लीपिंग मूवमेंट, मतलब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर मूव करेगी, तो इस जॉइंट हो गया जैसे कार्पस और टार्सस जो अपने लेग्स में होते हैं। फिफ्थ है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट क्या होते हैं, सैडल जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट लेफ्ट, मतलब इसको राइट लेफ्ट बैकवर्ड अपवर्ड हम किधर भी मूवमेंट कर सकते हैं इसका। ये आपको दिख रहा होगा व्रिस्ट जॉइंट, जो व्रिस्ट होता है जहां पर वॉच अपन मारते हैं उसी को व्रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, तो ये सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है। एक लास्ट हमारा कोन डायलोइड जॉइंट, इसमें क्या होता है, दिस अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हाउएवर फुल रोटेशन ऑल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। पहला आ गया हमारा व्रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पल्स फेलेंजियस, जो मेटाकार्पल्स होंगी हमारी ये वाली, यहां से जो फेलेंजियस होंगे उनके बीच जो जॉइंट होगा। मेटाटार्सल जो टार्सल्स होंगी, फेलेंजियस जॉइंट जो हैंड और लेग दोनों के लिए है, तो इन ये जॉइंट होंगे कॉन्डिलोइड जॉइंट। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के लेक्चर में जो जॉइंट टॉपिक था आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, और इससे ज्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट जॉइंट को थोड़ी डेफिनेशन लिख के, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आपको 3 नाम याद रख ले हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, सिनोवियल, इनमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल, इतना पता है आपको। इनमूवेबल आपको स्कल का ऊपर का, मतलब ऐसे बोन्स आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी मूव कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। स्लाइटली मूवेबल मतलब कुछ हद तक मूवेबल करते हैं, अपनी रीड होगी, बैकबोन होगी, इसमें वर्टेब्राज है। सेकेंड है सिनोवियल, फ्रीली मूवेबल, सिनोवियल के टाइप आ गए। तो टाइप बस इस आप नेम याद रख लेना, आपको अंदर का मैटर अपने आप याद आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।